अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुकिंग विद मीरा में आज मैं बना रही हूँ काले मसूर की दाल, जिसे हम मलका मसूर भी कहते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हर घर में काले मसूर की दाल बहुत शौक से खाई जाती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में दाल को डाला है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। कम अज कम मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है ताकि ये गल जाए दाल। पानी डालने के बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नमक के बाद मैं इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें या कम खाना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च के बाद मैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डालूंगी 1 चम्मच। और अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून आप कह सकते हैं इसको। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मैं आपको 10 से 12 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे दाल को प्रेशर कुकर में रखे हुए 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं दाल गल चुकी है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, सिर्फ 4 मसाले डाले हैं घर के। तो इस पे जो पानी था उसको मैं सुखा रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। सिंपल तड़का लगाने के लिए मैं लहसुन और अदरक को पीस लूँगी। आप देख सकते हैं दाल गल चुकी है। और अब मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। और तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक को पीस रही हूँ। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इस पे जीरा डालूंगी। जीरा थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और यहाँ पे काले मसूर की दाल रेडी है। अब मैं इसको अदरक, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नींबू वगैरह से गार्निश करूंगी। आप जैसे चाहे इसके ऊपर जो चाहे डाल सकते हैं। अदरक मैंने इस पे डाल दी है, नींबू मैं रख रही हूँ। अगर आप इसमें नींबू डाल के खाना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। कसूरी मेथी मैंने इस पे डाली है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डाल रही हूँ। कसूरी मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। ये अचार मैं रख रही हूँ, आपको अगर अचार पसंद है तो आप इसके साथ अचार भी खा सकते हैं, और नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको चाहे दाल के साथ, रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं। मज़ेदार यहाँ पे मसूर की दाल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।